हेलो डियर, वेलकम टू वेन कोचिंग सेंटर ओडिशा। आज वीडियो में कॉस्ट, रेवेन्यू एंड सप्लाई, परिव्यय, आय एवं जोगाण विषय में पूरा डिस्कशन करिबा। एही चैप्टर को आम एही गोटे वीडियो रे कंप्लीट करूछे। ताले देखंतु प्रथम जो आम कांसेप्ट आसुची कॉस्ट किंबा परिव्यय, ए जो कॉस्ट एवं परिव्ययर प्रकृत अर्थ कोन। सपोज देखंतु मोर गोटे इंडस्ट्री रहिची चॉकलेट फैक्ट्री, आपण माने देखि पारुथिबे इमेज रे। एही फैक्ट्री सपोज रहिची एवं प्रत्येक दिन कौन करुचे मु चॉकलेट उत्पादन करी सही चॉकलेट को मार्केट रे विक्रय करुचे। जदि मु मार्केट रे विक्रय करुचे ताहेले मु जानिछि केते मोर क्षति हेउचि एवं केते मोर लाभ हेउचि। ताहेले दिने मु कौन कली देखंतु, प्रथमे मोर जते भी एक्सपेंडिचर जहा भी खर्च हेउथिला, सपोज एक्सपेंडिचर एग्जांपल तरफ आमे नेबा, सपोज एक्सपेंडिचर हेउचि 100 एवं मोर इनकम केते रहिथिला, इनकम रहिथिला 200। ताहेले देखंतु मोर ए चॉकलेट विक्रय करी इनकम हेउचि 200 एंड एक्सपेंडिचर किंबा खर्च हेउची 100। ताहेले एथिरे मोर प्रॉफिट केते, जदि मु इनकम जहा भी लाभ हेउची, लाभ रु जहा भी मते क्षति किंबा एक्सपेंडिचर कहि पारिबि, सेही एक्सपेंडिचर जों माइनस करूची एक्सपेंडिचर, जदि 200 रु मु जदि 100 माइनस कली ताहेले केते मिलला मते जस्ट 100। ए जो 100 हेउची मोर प्रॉफिट। देखंतु आमे जानिले कोटा इनकम एवं कोटा एक्सपेंडिचर। इनकम जेते मु पाइथिले टोटल ता हेउची मोर इनकम, एवं एक्सपेंडिचर कोन जहा मोर प्रति खर्च हेउची, सेही चॉकलेट निर्माण करिबारे जेते मोर खर्च हेउची। जेपर आमे कहि थाउ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आमे कहा कहि थाउ पूर्व चैप्टर आमे पढ़ीथिले। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आमे कहा कहि थाउ लैंड, देन रहिची लेबर, लैंड लेबर, तापर रहिची कैपिटल, तापर रहिची ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गा आमे करि पाइबा ऑर्गेनाइजेशन। देखंतु ए जो फैक्टर रहिछि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जे कोनो से द्रव्य उत्पादन करबा कहले एही सब फैक्टर रो यूज करबा निहाती दरकार। ताले देखंतु चॉकलेट जदि उत्पादन करा हेउछि सेतिरे लैंड भी रहितिबो, से लैंड रे गोटी फैक्टर रहिछि आपण माने देखि पारुथिबे, देन हेउछि लेबर, से चॉकलेट को उत्पादन करिया में लेबर मध्य दरकार, देन रहिछि कैपिटल, मनी मध्य दरकार इन्वेस्ट करबा, देन रहिछि ऑर्गेनाइजेशन, केते जण व्यक्ति को मध्य रे एहा सब ए जो फैक्ट्री स्थापित होइछि। ताले देखंतु जहा सब एक्सपेंडिचर होइछि किंबा खर्च होइछि सेही खर्च कहा उपर हेउची, सेही खर्च लैंड, लेबर एवं कैपिटल एवं ऑर्गेनाइजेशन उपर हेउची। आमे जानिले खर्च के उपर हेउची एवं कि बोले आमे प्रॉफिट पाउची। ताहेले देखंतु ए जो कॉस्ट किंबा परिव्ययर प्रकृत डेफिनेशन कोन, जते बेले आमे कोनोसी द्रव्य उत्पादन करिया पई आमे जहा भी खर्च करिथाउ सेही खर्च को कहिथाउ आमे गोटिए कॉस्ट किंबा परिव्यय, जाको आमे अन्य भाषा रे एक्सपेंडिचर मध्ये कहि पारिबा। हेले एक्सपेंडिचर अर्थ अन्य भी मध्ये होइ पारे, जेपरि मु गुटी शर्ट किनिली, सपोज गोटे शर्ट किणिली, ताहेले एही शर्ट मु उत्पादन कली कि एही शर्ट मु उत्पादन करी नाही, ताहेले सेति पई एहा को मु परिव्यय किंबा कॉस्ट कहि पारिबि नै, ताहेले एहा को मु कहि पारिबि एक्सपेंडिचर किंबा मोर गोटे खर्च। हेले देखंथु मु गोटे चॉकलेट उत्पादन कली, गोटे चॉकलेट, ताहेले सेइ चॉकलेट मु कोन करूची एक्सपेंड करूची, जहा भी एक्सपेंडिचर हेउची सेइ एक्सपेंडिचर रे गोटे द्रव्य निर्माण हेउची, ताहा को मु कहि पारिबि कॉस्ट किंबा परिव्यय। आमे जानिले कॉस्ट किंबा परिव्यय, एवं देखंथु ए जो कॉस्ट एवं परिव्यय विभिन्न प्रकार रो मध्य होइ पारे, जे परि देखंतु टाइप ऑफ कॉस्ट, टाइप ऑफ कॉस्ट मध्ये आसे मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एवं वेरिएबल कॉस्ट। प्रकृत रे एहार अर्थ कोन, देखंतु मनी कॉस्ट रो अर्थ कोन आपण माने एही टर्म रु जानि पारुथिबे, मनी कॉस्ट रो अर्थ कोन मौद्रिक परिव्यय, जो परिव्यय को आमे मनी आकार रिप्रेजेंट करि पारिबा ताहा को आमे कहिथाउ मनी कॉस्ट किमा मौद्रिक परिव्यय। सपोज मोर चॉकलेट उत्पादन करिबारे 10 टंका खर्च हैला, तापर 20 टंका खर्च हैला, तापर हम 30 टंका खर्च हैला, एबोली भाबर मु कहि पारिबी एहा को आमे मौद्रिक आकार रे प्रकाश कोले, एहा को मु कहि पारिबी मौद्रिक परिव्यय। जते बेले देखंथु सपोज गोटे जण मते गोटे व्यक्ति पचारे आपनक चॉकलेट उत्पादन करिबारे केते टंका खर्च हेउछि, जदि मु ताहा को कहि नाइ एटी हेउछि दुईटी बळद को बिक्री कोले जते टंका सेते मोर चॉकलेट उत्पादन रे खर्च हेउछि, ताहेले से व्यक्ति कोन बुझि पारिबो, नो सेइ व्यक्ति बुझि पारिबो नाइ, ताहेले आमे ताहाको मौद्रिक परिव्यय कहि पारिबा नाही। जेउ परिव्यय जहा भी आमर खर्च हेउची ताहाको जदि आमे पैसा आकर मनी आकर रिप्रेजेंट करि पारिबा ताहाको आमे कहि पारिबा मौद्रिक परिव्यय किंबा ताहाको आमे कहि पारिबा मनी कॉस्ट। एबे देखंतु रियल कॉस्ट किंबा वास्तव परिव्यय, आमे वास्तव परिव्यय काहाको कहि पारिबा, से जो गोटे फैक्ट्री रे चॉकलेट उत्पादन हेउथिला सेइ चॉकलेट उत्पादन रे लेबर मध्य रहउथिले, एवं सेइ लेबर कोन पाउथिले पेन, से चॉकलेट उत्पादन करिबारे से माने पेन फील करि पारुथिले, तापर रहिछि वीक से माने दुर्बल मध्य फील करि पारुथिले, तापर रहिछि स्वेट किंबा झाळ से माने झाळ मध्य फील करि पारुथिले किंबा तांको देहरु झाळ मध्य बाहरुथिला। ताहेले वास्तव परिव्ययर अर्थ कोन,
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲେବର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଯାହା ବି ସହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବାସ୍ତବ ପରିବ କିମ୍ବା ରିଏଲ କଷ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କଷ୍ଟ କ'ଣ ସପୋଜ୍ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ବାଜରା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ମୋର କେବଳ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ 100 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୁଁ ପାଉଛି ହେଲେ ଗହମରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ହେଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉଛି ଗହମରେ 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ବାଜରାରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ହେଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ 30 ପାଉଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆରେ ସେମ୍ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବି ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଭ ବି ଅଧିକ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏସବୁ ଧାନ ଏବଂ ବାଜରାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବି ମୁଁ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ଆମେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ପରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକଳ୍ପ ରହିଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ବାଛିଲି ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ତାହାକୁ ବାଛିଲି ଏହାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ପରିବ ଦେନ୍ ରହିଛି ଫିକ୍ସଡ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ପରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିକ୍ସଡ କଷ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା ଫିକ୍ସଡ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ଯାହା ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ତାହେଲେ ଫିକ୍ସଡ କଷ୍ଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ହେଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଷ୍ଟର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଫିକ୍ସଡ କଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଲେବର ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଲେବରର ଦରମା ରହିଛି 6,000 କିମ୍ବା 6,000 ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ସେ 6,000 ତାକୁ କମ୍ ଦେବି ଯଦି 6,000 କମ୍ ଦେବି ସେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେରା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିବାକୁ ଆମେ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନଚେଞ୍ଜ ଆମେ କହିପାରିବା ଅନଚେଞ୍ଜ ରହିଥାଏ ସେହିଭଳି ପରିବ୍ୟ ସେହିଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟ ଦେନ୍ ରହିଛି ଭେରିଏବୁଲ କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟ କାହାକୁ କହିପାରିବା ଯେପରି ରହିଛି ର ମେଟେରିଆଲ କିମ୍ବା କଞ୍ଚାମାଲ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ର ମେଟେରିଆଲ କାହାକୁ କହିଥାଉ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ର ମେଟେରିଆଲ କିମ୍ବା କଞ୍ଚାମାଲ ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚାମାଲ ତ କେତେବେଳେ ବି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ କେତେବେଳେ ତାହା କମ୍ ମିଳିଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ଦର ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ତେଣୁ ତାହାର ଯାହା ଦର ରହିଛି କମ୍ ଏବଂ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟ କିମ୍ବା ଭେରିଏବୁଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେରିଏବୁଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହେଁ ଭେରିଏବୁଲ କଷ୍ଟ କହିପାରିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୌଦ୍ରିକ ପରିବ୍ୟ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ପରିବ୍ୟ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ପରିବ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟ କ'ଣ ଏହା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦେନ୍ ରହିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ହିଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଥିଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ସେହି ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆମର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାପରେ ଆମେ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ନେଇଥିଲେ 100 ଦେନ୍ ଇନକମ୍ ନେଇଥିଲେ 200 ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ କିଭଳି କାଉଣ୍ଟ କରିଥିଲେ 200 ମାଇନସ 100 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଥିଲା 100 ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯାହାକୁ ଆମେ ପରିବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ହେଲେ ଇନକମ୍ ଇନକମକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ କହିପାରିବା ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଏହାର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ଆୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ରହିଛି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଫଳରେ ଯାହା ଆମର ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ରେଭିନ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଟୋଟାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ତାପରେ ରହିଛି ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେନ୍ ରହିଛି ଆଭରେଜ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ରେଭିନ୍ୟୁକୁ ଆମେ ମୋଟ ଆୟ କହିଥାଉ ଏବଂ ଏହି ମୋଟ ଆୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଛି ତାହାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଟୋଟାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକୋଲେଟ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍ 2 ଚକୋଲେଟ୍ 3 ଚକୋଲେଟ୍ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକୋଲେଟ୍ରୁ ମୋର କେତେ ଇନକମ୍ ହେଲା ମୋର ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଫଳରେ ମୋର ପକେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ତାହାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଟୋଟାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଜିନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ କିମ୍ବା ସୀମାନ୍ତ ଆୟ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ କ'ଣ ସପୋଜ୍ ମୁଁ 2 ଚକୋଲେଟ୍ ବିକ୍ରୟ କରି ମୋର ରହିଛି 20 ରୁପିସ୍ 2 ଚକୋଲେଟ୍ କରି ମୋର ରହିଛି 20 ରୁପିସ୍ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକୋଲେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ ରହିଥିଲା କେତେ 20 ରହିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ବିକ୍ରୟ କଲି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 10 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ମୋର ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ କେତେକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଟୋଟାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ମୋର
फिरिस को वृद्धि पाइला एथिरो आमे जानिले जते बेले एडिशनल यूनिट ऑफ कोनोसी प्रोडक्ट होई पारे सेही प्रोडक्ट को म जते विक्रय करू छी सेही विक्रय करिया फल रे मोर टोटल इनकम रे जते भी परिवर्तन आसू छी ताहा को म कहि पारिबी मार्जिनल रेवेन्यू देन रही छी एवरेज रेवेन्यू देखंतु एवरेज रेवेन्यू कोन सपोज म कोन कली 50 रुपीस प्रत्येक बिक्री करी मोर रही छी टोटल इनकम हेउ छी 50 रुपीस आउ किते देखंतु मो टोटल चॉकलेट उत्पादन करथिली 5टी चॉकलेट उत्पादन करथिली हेले एबे केमिति जानिबी प्रत्येक चॉकलेट को केते टंका ताहेले देखंतु मो जदे टोटल इनकम सहित प्रत्येक चॉकलेट रो दर को जदे डिवाइड करबी तांकर क्वांटिटी को डिवाइड करबी ताहेले प्रत्येक चॉकलेट रो दर मो पाई पारिबी ताहेले प्रत्येक चॉकलेट रो दर केते प्रत्येक चॉकलेट रो दर हेउछि 10 टंका ताहेले मो जानिली दर प्रति गोटे गोटे चॉकलेट रो दर केते एवं केते परिमाण रो मो ताकू बिक्री करी रेवेन्यू जनरेट करी ताहा को म कहि पारिबी एवरेज रेवेन्यू जेपुरे आमे पूर्व चैप्टर रे पढ़ीथिले एवरेज काहा को कहा जाय जेपुरे आमे गुटी बाइक रे एग्जांपल लैथिले जेते बेले देखंतु आमे कोनोसी बाइक किनु छे ताहेले से बाइक किनिला मात्रे गुटी प्रश्न आसु छे एही बाइक ती तार एवरेज केते अछि एवरेज एवरेज रो अर्थ होय छि प्रत्येक 1 लीटर रे 1 लीटर रे सेही बाइक केते किलोमीटर देउ छि केते किलोमीटर तार डिस्टेंस रहि छि ताहा को आमे कहि थाउ गुटी बाइक रो एवरेज ठीक सेही परि गोटे रो अर्थ हेउची एवरेज एंड एडिशनल रो अर्थ हेउची मार्जिनल देन टोटल रो अर्थ हेउची जहा कि मोट आमे प्रत्येक द्रव्य जहा भी द्रव्य रहिची से द्रव्य के बिक्रय करिया पड़ो रे जहा भी आमे इनकम जनरेट करू छे ताको आमे कहि परबा टोटल एवं जहा हमरो टोटल इनकम रे किछु गुटे चेंजेस आसी ताको आमे कहि पारिबा आमे मार्जिनल रेवेन्यू देन देखंतु प्रत्येक रो केते आसुची रेवेन्यू ताको आमे कहि पारिबा एवरेज रेवेन्यू देन रहिची लॉ ऑफ सप्लाई जहा को आमे जोगाण सूत्र बोली कहिथाउ देखंतु ए जो लॉ ऑफ सप्लाई रो प्रकृत अर्थ कोन प्रथम आमे सप्लाई रो अर्थ जानिबा देखंतु सप्लाई रो अर्थ हेउची गुटे निर्दिष्ट टाइम जहा भी समय होई पारि सेही समय मध्ये रे गुटे निर्दिष्ट प्राइस किंबा गुटे दर रे जदी कोनोसी द्रव्य को सेल करा जाय थाय विक्रय पई सेल करा जाय ताको आमे कहि पारिबा जोगाण किंबा सप्लाई आमे कहि पारिबा जोगाण किंबा सप्लाई हेले देखंतु ए जो जोगाण एवं प्राइस मध्ये रे गुटे रिलेशन रहिची जहाँ को आमे कौन कही पारिबा जहाँ को आमे डायरेक्ट रिलेशन किंबा प्रत्यक्ष संपर्क मध्य आमे कही पारिबा जेते बेले देखंतु प्राइस किंबा कोनोसी द्रव्य रो दर जदी वृद्धि पाई थाई सेते बेले सप्लाई मध्य वृद्धि पाई थाई सप्लाई मध्य वृद्धि पाई थाई एवं प्राइस जेते बेले डाउन होई थाई सेते बेले सप्लाई मध्य डाउन होई थाई एहार कारण मध्य रहिछि प्राइस कोन पाई डाउन होई थाई एवं सप्लाई कोन पाई मध्य डाउन होई थाई सेमानको डायरेक्ट रिलेशन रे मध्य गोटे संपर्क रहिछि जेते बेले देखंतु मु गोटे इंडस्ट्री रे किंबा आमे एग्जांपल लैथिले चॉकलेट फैक्ट्री रे आमे कोन करूथिले चॉकलेट उत्पादन करूथिले हेले देखंतु एथिरे आमे रिलेशन गोटे नेबा प्राइस रो एवं सप्लाई रो कोन रिलेशन रहिछि जते बेले देखंतु मु चॉकलेट उत्पादन करूछि हेले सेही चॉकलेट रो दर के भी किनु नाहंती चॉकलेट रो दर धीरे धीरे कमबा को लागुछि ताहेले कोन हेबो मते उत्पादन करबा को ठीक लागिबो ठीक आउ लागिबो नाही मु आउ सेही चॉकलेट उत्पादन करबा धीरे धीरे बंद करबा को लागिबी एथिलो कोन हैला प्राइस कम हेबारो आमर सप्लाई मध्ये कम हेला हेले देखंतु मु चॉकलेट उत्पादन करथिबा चॉकलेट धीरे धीरे कोन हेउची अधिक बिक्री हेउची अधिक बिक्री हेबा फल रे मु कोन करूची सेही चॉकलेट देखो कोनसी जदी डिमांड जदी अधिक रहला कोनसी द्रव्य रो ताहेले तहार कोन होइथे तहार प्राइस मध्ये इंक्रीज होइथे किंबा प्राइस मध्ये वृद्धि पाइथे सेति बाई जते बिले चॉकलेट रो डिमांड धीरे धीरे वृद्धि पाइबा को लागिला ताहेले कोन हेबो तहार प्राइस मध्ये वृद्धि पाइबा को लागिबो एवं प्राइस जदी वृद्धि पाए ताहेले काहा को प्रॉफिट करिवो जे चॉकलेट इंडस्ट्री रे प्रोड्यूस करूची ताहा को प्रॉफिट हेबो मु प्रोड्यूस करूची ताले मते प्रॉफिट हेला मते जदी अधिक प्रॉफिट हेला मु कोन करबी अधिक मु प्रोड्यूस करबी एवं अधिक मु सप्लाई मध्ये करबी ताले जानिले प्राइस इंक्रीज हेबा फल रे सप्लाई मध्ये इंक्रीज हेउची एवं प्राइस डिक्रीज हेबा फल रे सप्लाई मध्ये डिक्रीज हेउची एहा हेउची डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई देन देखि भाई हारो एजप्शन कोन रहिची देन देखंतु एजप्शन किंबा शर्त प्रकृत एजप्शन कोन देखंतु आमे एजप्शन ताहा को कहिथाउ जहा द्वारा गोटी लॉ कार्यकारी होइथाय जदी ताहा आमे न नेबा ताहेले गोटी लॉ कार्यकारी हेबो नाही जेपो रहिछि द सेलर इज ए रेशनल ह्यूमन बीइंग जहा भी सेल करूथिबे जेउ व्यक्ति से जने रेशनल गोटी भलो मंद से चिंता करूथिबे एवं तांकर माइंडटा ठीक रहिथिबो जदी ठीक नाही ताहेले 10 टंकार जिनिस मध्ये से 20 टंकार बिक्री करिबे एवं 10 टंकार जिनिस मध्ये से 2 टंकारे मध्ये बिक्री कर देइ पारे तेणु गोटे रेशनल कंज्यूमर ठीक भावपन्न व्यक्ति जे चिंता करथिबे सेई बोली व्यक्ति जे ठीक एजुकेशनल मध्ये रहिथिबे जे कोन करि पारथिबे हिसाब पत्र मध्ये ठीक भाबरे करि पारथिबे सेई बोली गोटे रेशनल आमे कोन सेलर दरकार आमको देन नेक्स्ट कंजप्शन एजप्शन कोन रहिछि
price of related goods must be remain constant. देखंतु आमे एही सब एजप्शन एग्जाम रे की बोलेबा मने रखिबा ए जो एजप्शन रहिछि एहा हेउछि फैक्टर ऑफ आमे कहि पारिबा फैक्टर ऑफ सप्लाई सप्लाई के जे सब कारक मध्य प्रभाव प्रभावित करि थांती सेही कारक को एठी रे केवल आमे कांस्टेंट नेबा प्रत्येक सूत्र रे मने रखंतु प्रत्येक सूत्र रु जे सूत्र को जे माने कोन करूछन इन्फ्लुएंस करूछन आमे ताहा को आमे कोन करिबा आमे कांस्टेंट नेबा से मानो को आमे चेंज करिबा नाही यदि चेंज करिबा नाही ताहा हेउछि हमरो एजप्शन आमे जानिले एग्जाम रे आमे किबोले एजप्शन नेबा ताहले देखंतु सप्लाई रा एजप्शन कोन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी कांस्टेंट जहा भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहितिले तांकर दर कम रहइबो किंबा कांस्टेंट रहइबो देन रहिछि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आमे जदि कोनोसी चास करूथिले किंबा बळदरे मध्ये चास करूथिले ताहाको आमे ट्रॅक्टर चास करिबा नाही जहा भी हमर टेक्निक रहिछि सेही टेक्निक ही आमे एठारे यूज करिबा देन रहिछि एक्सपेक्टेशन देखंतु एक्सपेक्टेशन कोन सपोज कोन रहिछि गोटी द्रव्य रहिछि एवं सेही द्रव्यर दर आगो को कोन ह्रास ह्रास पाइबार अछि सेही द्रव्यर दर आगो जदि ह्रास पाइबार अछि ताहे लोक कोन करि परिबे सेही द्रव्य को वर्तमान से माने बिक्री करबाकु लागिबे कोन पाइ बिक्री करबाकु लागि आगो को त ह्रास पाइबो आ कोन हमर प्रॉफिट रहइबो ता हमर प्रॉफिट रहइबो नै ताहेले सेही द्रव्य को से माने अधिक र अधिक बिक्री करबाकु लागिबे जहा फल रे एठारे ल ऑफ सप्लाई रे एहा कार्यकारी होइ परिबो नै देन रहिछि नेचुरल फैक्टर जहा भी क्लाइमेट रहिछि नेचुरल फैक्टर देन रहिछि रेन एवं विभिन्न प्रकार नेचुरल फैक्टर एठारे कोन रहिबे एथिरे से माने कांस्टेंट रहिबे एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ देखंतु एही लोक आमे किबुर बारे एक्सप्लेन करि परिबा एही लोक मुख्यतः गोटिए टेबल आ गोटिए डायग्राम मध्ये रे एहा को आमे एक्सप्लेन करि परिबा ताहेले टेबल रे आमे किबुर बारे एहा को एक्सप्लेन करिबा देखंतु आपण माने जहा भी नंबर लेखंतु जे परी 5 6 एबुली बारे नंबर लेखिबे जेउ नंबर इनक्रीजिंग रेट रे रहिथिबो जेउ नंबर प्रथम रु लास्ट पर्यंत वृद्धि पाई पाई आसुथिबो सेबुली बारे आपण माने लेखिबे तापर आउ मध्ये आउ गोटे नंबर लेखिबे जहा सप्लाई आकार रहितबो आ गोटे प्राइस आकार रहितबो एबले बापर हम लेखिबे तापर आपण माने कोन करिबे ए जो टेबल रहिछि एहा को आपण माने एक्सप्लेन करिबे एग्जाम रे जे पर देखंतु मु कहूछि जते बेले प्राइस ऑफ राइस जते बेले चावल रो दर 5 टंका रहितला सेते बेले सप्लाई केते रहितला 10 क्विंटल जते बेले चावल रो दर जते बेले वृद्धि पाउछि सेही समय रे तहार सप्लाई रहिछि 12 क्विंटल जते बेले 7 को वृद्धि पाउछि सेते बेले 15 को मध्ये वृद्धि पाउछि एबले बापर देखंतु प्रथम रु लास्ट पर्यंत प्राइस जते बेले वृद्धि पाइछि ठीक सही परी हमर सप्लाई मध्ये वृद्धि पाउछि ताहेले एही टेबल रु आमे जानिले जते बेले कोनोसी द्रव्य रा प्राइस वृद्धि पाइथाय सप्लाई मध्ये वृद्धि पाइथाय ताहेले आमे कंक्लूड हेले दर एवं सप्लाई रो डायरेक्ट रिलेशन रहिछि जते बेले द्रव्य दर वृद्धि पाइबो सते बेले सप्लाई मध्ये वृद्धि पाइबो एथिरु आमे जानिले दर एवं सप्लाई मध्ये रे डायरेक्ट रिलेशन किंबा प्रत्येक रिलेशन रहि अछि एबे एही टेबल को आमे गोटिए डायग्राम माध्यम रे बुझिबा ताले देखंतु एहा होची सप्लाई डायग्राम एवं सप्लाई डायग्राम कोन कहउची एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस रे आमे कोन रिप्रेजेंट करूचे एक्स एक्सिस रे आमे क्वांटिटी ऑफ राइस जेते परिमाण रो द्रव्य आमे विक्रय करूचे ताहा को आमे एक्स एक्सिस रे रिप्रेजेंट करूचे हेले वाई एक्सिस रे आमे कोन रिप्रेजेंट करूचे वाई एक्सिस रे आमे प्राइस ऑफ द राइस जहा भी दर रहितला सेही राइस रो आमे ताहा को रिप्रेजेंट करूचे ताले देखंतु जेते बेले दर ओपी रहितला जेते बेले दर किते रहितला ओपी क्वांटिटी रहितला सेते बेले हमर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई केते रहितला ओ क्यू 2 रहितला हेले देखंतु जेते बेले दर वृद्धि पाउची ओ पी 2 को वृद्धि पाउची सेते बेले हमर क्वांटिटी मध्ये धीरे धीरे वृद्धि पाइबा को लागुची ओ क्यू 1 को वृद्धि पाइबा को लागुची ताहेले आमे जानिले कोन हेउछि एठारे प्राइस वृद्धि पाइले सप्लाई मध्ये वृद्धि पाउची एवं देखंतु एबे प्राइस डिक्रीज हेले सप्लाई मध्ये की बोले डिक्रीज होची ताहा देखंतु जेते बेले देखंतु कोन हेउछि जेते बेले ओ पी 2 रु जेते बेले ओ पी 1 को कोन हेउची दर ह्रास पाउची सेते बेले ओ क्यू 1 रु ओ क्यू 2 को ए जो जोगाण मध्ये ह्रास पाउची एबे आमे जानिले प्राइस एवं सप्लाई मध्ये आ उठे रिलेशन जेते बेले कोन होइथाय प्राइस जेते बेले ह्रास पाइथाय हमर जोगाण मध्ये ह्रास पाइथाय एवं दर जेते बेले वृद्धि पाइथाय हमर जोगाण मध्ये वृद्धि पाइथाय ताहेले आमे जानिले प्रत्येक रिलेशन कोन अछि देखंतु सो थैंक्स फॉर वाचिंग आपण माने देखि थिबारो ए वीडियो को आपण को धन्यवाद एवं देखंतु वीडियो जदि पसंद लागि थिबो ताले वीडियो को लाइक करबा सो आमा चैनल को मध्ये सब्सक्राइब करंतु।